Dear students, today we are going to start measurement of length. Okay, let us see measurement of length. Measurement of length. प्यारे बच्चों, कुछ तो स्मॉल लेंथ होती है जिनका हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं, किससे? मीटर स्केल से। और दूसरा डिवाइस, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स। तो डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ बाय मीटर स्केल, सेकंड वर्नियर कैलिपर्स, और थर्ड बोलो स्क्रू गेज। ओके, उनसे हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें लार्ज डिस्टेंसेस का मेजरमेंट करना है ना, लाइक डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड प्लैनेट, अर्थ और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस अगर मेजर करना हो तो हम किस मेथड से करेंगे, है ना? उसके कुछ सर्टेन मेथड है ना, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले दो तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे, एक तो स्मॉल लेंथ का और एक लार्ज डिस्टेंसेस का, है ना? तो फर्स्ट डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ बाय फर्स्ट किसे करेंगे? मीटर स्केल। सबने देखा है प्यारे बच्चों, मीटर स्केल, है ना? बताइए मीटर स्केल का लीस्ट काउंट, मिनिमम मेजरमेंट कितना होता है, है ना? स्केल पे आपने देखा है ना, एक बिग डिवीजन होता है और उसमें स्मॉल 10 डिवीजन बने हुए होते हैं, है ना? एक स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होता है? 1 mm, दैट इज 10^-3 meter। ओके, तो लीस्ट काउंट कितना रहता है मीटर स्केल का? 10^-3 meter। और रेंज कितनी है, कहां से कहां तक मेजरमेंट करता है? -3 meter से 10^+2 meter तक। ओके, तो मीटर स्केल ऑफ रेंज कितना रेंज है प्यारे बच्चों? 10^-3 meter से लेके 10^2 meter तक। ओके, और सेकंड हम इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। ओके, तो वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है, मिनिमम कितना मेजरमेंट करता है ये प्यारे बच्चों? इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं 10^-4 meter। ओके, और रेंज कितनी है इसकी? अबाउट 10^-4 meter, यानी कि आप कह सकते हैं 0.1 mm, ये इसकी लिस्ट काउंट भी कह सकते हैं आप। क्या है? मिनिमम मेजरमेंट है ना, लिस्ट काउंट। और थर्ड है स्क्रू गेज, है ना? थर्ड क्या है प्यारे बच्चों? स्क्रू गेज, है ना? माइक्रोमीटर भी वो कहते हैं ना, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ओके, और रेंज कितनी होती है ये, है ना? इससे भी कम मेजरमेंट कर सकता है वर्नियर कैलिपर से ही। तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है प्यारे बच्चों? 10^-5 meter, दैट इज 0.01 mm, है ना? ये लिस्ट काउंट है। ओके, तो ये तो डिवाइस है जो स्मॉल लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना? तो यू हैव कीप इन योर माइंड, है ना, फॉलोइंग 3 devices आर यूज टू मेजरमेंट द स्मॉल लेंथ। ओके, नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों बी। अब हमें लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करना है। कौन सा? लार्ज डिस्टेंस का। तो मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। अब मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों पैरालैक्स मेथड। इज गिवन बाय, किससे देते हैं हम पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड ओके, इससे देते हैं हम क्या पैरालैक्स मेथड से, है ना, लार्ज डिस्टेंसेस लाइक अर्थ और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है। अब पैरालैक्स मेथड होता क्या है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर हम कोई भी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर करें, दैट इज ये हम मार्कर ले और इस मार्कर को हम दो डिफरेंट पॉइंट से देखें। दो डिफरेंट पॉइंट का मतलब है अगर हमने मार्कर को अपने हाथ में होल्ड किए हुआ है और हम लेफ्ट आई को क्लोज करके इसकी पोजीशन को देखें, है ना, मार्कर की, फिर आपका देन क्लोजिंग द राइट, ओके, क्लोजिंग द राइट आई, तो हमें एक रिलेटिवली इसकी पोजीशन चेंज होती दिखाई देगी। क्या होती दिखाई देगी, चेंज किसकी, मार्कर की पोजीशन, है ना। तो अगर हम टू डिफरेंट पॉइंट से, है ना, किसी एक पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, है ना, बाय क्लोजिंग लेफ्ट एंड राइट आईज अल्टरनेटली, देन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज चेंज, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट, है ना, यानी कि चेंज हो जाएगी, शिफ्टिंग नजर आएगी, ओके। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों पैरालैक्स मेथड, और इस मेथड से हम फिर फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड प्लैनेट, ओके। तो ये मेथड क्या बताया मैंने कि जब किसी सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को, है ना, दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, है ना, हम देखते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट की पोजीशन चेंज होती दिखाई देती है, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कहते हैं, ओके, इसी को हम शिफ्ट कहते हैं, ओके। तो नोट कर लो, व्हेन सेम ऑब्जर्वेशन पॉइंट से एस इज, अगर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट को इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, then it seems that the position of the observation point okay, observation point is changed okay, this shift is called parallax। इस शिफ्ट को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पैरालैक्स कहते हैं, है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इज कॉल्ड बेसिस। क्या कहते हैं, बेसिस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड
इज कॉल्ड बेसिस। ओके, इज कॉल्ड बेसिस, है ना। आइए इसको हम डायग्राम में देखते हैं। ओके, तो ये डायग्राम में देखेंगे, तो चलिए डायग्राम में देख लेते हैं। ओके, लेट अस सी इन डायग्राम, है ना। इफ वी हैव एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पॉइंट एस एंड दिस पॉइंट एस इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी देन द डिस्टेंस बिटवीन एस टू ए और एस टू बी इज गिवन बाय, किससे देंगे हम, कैपिटल डी से। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये एस कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, और ठीक है ना, और ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है एस ए और बी। ओके, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है कितना, बी, जिसको क्या कहते हैं हम, बेसिस, क्या कहते हैं, बेसिस। ओके, यहां पर एस क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है ना, और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को टू डिफरेंट पोजीशन से हम देख रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना, अलोंग विच एस इज व्यूड, है ना, वो है थीटा। तो इस थीटा का मेजरमेंट हम इजीली कर लेते हैं, है ना, ऑन मेजरिंग द एंगल सबटेंडेड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द टू डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग विच एस इज व्यूड, है ना। तो थीटा को मेजर कर लेंगे, तो फ्रॉम फिगर से अगर हम बात करें, यानी कि बी और ये हमने डिस्टेंस माना कितना, डी, ओके, कैपिटल डी। तो यहां पर फॉर क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, एक डी और एक ये क्या है, बी है ना, बी अपॉन डी की वैल्यू, क्योंकि बी क्या है, बहुत स्मॉल है, और डी क्या है, लार्ज डिस्टेंस है जिसका हमें मेजरमेंट करना है, तो बी बाई डी की वैल्यू मच मच लेसर देन क्या होगी, वन। ओके, तो अब हम इसे ए बी को एक सर्कल की आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं, किसकी, सर्कल की आर्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और दिस, है ना, थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, स्मॉल, है ना, और थीटा अगर स्मॉल हो जाएगा, सो ए बी इज ट्रीटेड एज एन आर्क ऑफ सर्कल। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, डी इंटू थीटा, है ना, डी इंटू थीटा, या थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी। ओके, यहां पे आप लिखेंगे b इक्वल टू डी इंटू थीटा। तो यहां से d का मेजरमेंट आप इजीली कर सकते हैं, यहां से किसका मेजरमेंट, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो यहां से d इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन थीटा। ओके, थीटा ये इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं, और थीटा मस्ट बी टेकन इन रेडियन, किसमें लेना है थीटा को, रेडियन में लेना है प्यारे बच्चों, है ना, रेडियन किसकी यूनिट है, एंगल की, और अदर यूनिट कौन सी होती है एंगल की, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो कीप इन योर माइंड दैट
दैट 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। कितने? पाई बाय 180 रेडियन। और प्यारे बच्चों अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.1745 इंटू 10^-2 रेडियन के इक्वल ये आएगा रिजल्ट। ओके, तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। और सेकंड 1 और यही किसके इक्वल होता है? 60 मिनट के। किसके? 60 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो जाएंगे। और 1 डिग्री की जगह आप ये रख सकते हैं, तो 1.745 इंटू 10^-2 अपॉन 60 ये आ जाएगी रेडियन। तो 1 डिग्री को हम किस में चेंज कर सकते हैं? रेडियन में। ओके, नेक्स्ट अगर अब बात करें 1 मिनट की, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। ये डैश, एक सिंगल डैश लगा देते हैं हम ऊपर, इसका मीनिंग है मिनट। क्या मीनिंग है? मिनट। ओके, एंड अगर बात करें अब हम किसकी? 1 मिनट की। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अब 2 डैश लगा दी, इसका मीनिंग है सेकंड। तो 1 सेकंड में प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में 1/60 मिनट हो जाएंगे। और 1 मिनट में कितने रेडियन? 1.745 इंटू 10^-2। ओके, तो अब हमें रिजल्ट कितना? 1 सेकंड किसके इक्वल हो जाएगा? 1.745 10^-2 अपॉन 60 × 60 इतने रेडियन। ओके, तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए आप ध्यान रखें, है ना, कीप योर इन माइंड। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं ना, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं हम। ओके, और फिर यानी कि अब या इसका एक एग्जांपल और एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। ओके, एग्जांपल मेजरमेंट ऑफ द साइज और एंगुलर डायमीटर ऑफ ए प्लैनेट। प्यारे बच्चों हमें एंगुलर डायमीटर फाइंड आउट करना है प्लैनेट का, है ना, कोई भी प्लैनेट है, ये प्लैनेट है। ओके, दिस इज प्लैनेट, और इस प्लैनेट का हमें अर्थ से, ये अर्थ है, अर्थ से यहां डायमीटर पर ये 2 पॉइंट्स है, ए और बी, ये हम ले लेते हैं डी। ओके, डी ले लिया, और यहां से अर्थ से हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, दोनों को अर्थ से ऑब्जर्व करते हैं, तो ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, कैपिटल डी। अब ये जो एंगल बना, ये थीटा या अल्फा। ओके, अब जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है ए एंड बी, है ना, उससे एंगल जो सबटेंड हो रहा है ना, अर्थ पर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कितना है? थीटा है। तो यहां पर हियर थीटा की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी? पैरेलेक्स मेथड से थीटा इक्वल टू डी इंटू डी, अब हमें d का मेजरमेंट करना है, तो d इक्वल टू थीटा अपॉन कितना आ जाएगा बताइए? सॉरी, यहां से हियर थीटा की वैल्यू बताइए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हियर थीटा की वैल्यू बताइए, तो d की वैल्यू, d क्या है? बेसिस, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d इंटू थीटा। तो थीटा यहां पे कैपिटल डी का मेजरमेंट हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द अर्थ, और प्लैनेट के ऊपर कितने पॉइंट्स लिए हमने? 2 पॉइंट्स, है ना, कितने? 2 पॉइंट्स ए एंड बी, जो डायमेट्रिकली क्या है? अपोजिट है, है ना, इनको अर्थ से हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? ए और बी को, है ना,
विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन द प्लैनेट, ऑन द प्लैनेट, ओके, डी इक्वल टू डी अपॉन थीटा, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, डी इक्वल टू डी अपॉन थीटा। तो इसके ऊपर बहुत से न्यूमेरिकल क्या होते हैं, एराइज हो सकते हैं, ओके। ध्यान रखना है कि थीटा मस्ट बी टेकन इन रेडियन, ओके, हाँ। बाकी डी क्या होना चाहिए, डी मीटर में होना चाहिए, तो ये हमें फिर किस में लेना है, रेडियन में लेना है, थीटा को ध्यान रखें, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ एंड द एंगल सबटेंडेड by two lines is 1 degree 54 minutes। कितना एंगल है, टू लाइन्स से जो एंगल है वो कितना है, 1 degree 54 minutes। Also diameter of earth is 1.27 × 10⁷ meters, okay, इतना है। Find the distance between moon and earth, मून एंड अर्थ के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ओके। तो प्यारे बच्चों, मून, ये मून की पोजीशन है और मून को ऑब्जर्व किया जा रहा है कहां से, अर्थ से, डायमेट्रिकली अपोजिट टू पॉइंट है ना, ये, ओके, ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है, ये एंगल हमें गिवन है, ओके, ये डिस्टेंस हमें मेजर करना है। और जो डायमीटर दिया गया है ना, जो डायमीटर दिया गया है अर्थ का है ना, कितना है, 1.27 × 10⁷, ओके। तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ओके। सॉल्यूशन, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, डी की वैल्यू आ जाएगी डी इंटू थीटा। तो यहां से डी इक्वल टू d अपॉन थीटा है ना। अब थीटा कितना है, 1.27 × 10⁷ meters, और थीटा किस में गिवन है हमें, 1 degree 54 minutes, ओके। तो थीटा कितना है, 1 degree 54 minutes, तो 1 degree में कितने मिनट, 60 minutes प्लस 54, तो कितने हो गए, 114 minutes। अब मिनट के क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, मिनट क्या बनाएंगे, रेडियन क्या बनाएंगे, तो बनाइए मिनट के रेडियन कितने होंगे, 114 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.745 × 10⁻², अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये आ जाएंगे रेडियन, क्या आ जाएंगे, मिनट को किस में बदलेंगे, ओके, रेडियन मिल जाएंगे। तो यहां पर 60 ऊपर जाएगा, 7 × 10⁷, ओके, इंटू 60, 114 इंटू 1 प्लस 1.745 × 10⁻², इसको प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है प्यारे बच्चों मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ मास, है ना? मेजरमेंट ऑफ मास, हम अगर स्मॉल मास का मेजरमेंट किया गया है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास है वो मेजर किया गया, और बड़े मासेस है ना, जैसे मास ऑफ यूनिवर्स है ना, वो जो नॉन यूनिवर्स है उसका भी मास हमें पता है ना कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है प्यारे बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बताइए, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना होता है, 9.1, 5 से ग्रेटर है 10 से छोटा है, तो 10⁻¹ इसको मान लेंगे हम और यहाँ पे ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना निकल के आता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, 10⁻³¹ kg, ओके, ये होता है। तो ये स्मॉल मास है ना, स्मॉल मास का मेजरमेंट कैसे किया गया प्यारे बच्चों, मेन बात है, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल मास के मेजरमेंट की, कैसे निकाला गया ये, है ना? तो एक आपका ये निकाला गया मास स्पेक्ट्रोग्राफी, ओके, तो स्मॉल मास इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर किया गया बोलो, मास स्पेक्ट्रोग्राफी, ओके, और ये किस में मेजर किया गया, इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, क्या एटॉमिक मास यूनिट, AMU क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि बात करें अगर 1 AMU की, 1 AMU, तो 1 AMU 1/एवोगैड्रो नंबर इतने ग्राम, और ये कितना होता है, 6.023 × 10³³। अब प्यारे बच्चों इसको डिवाइड करेंगे 1/6, है ना, तो ये आएगा अप्रोक्स 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, ओके, इतना आ जाएगा, या ये भी कह सकते हैं 1.66 × 10⁻²⁷ kg। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्मॉल मास होता है ना, वो हम किससे मेजर करते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफी से करते हैं, किससे, मास स्पेक्ट्रोग्राफी से करते हैं। अब बात आती है बड़े जो मास है ना, हमें जैसा कि किसका मास पता है, मास ऑफ नॉन यूनिवर्स का मास कितना है प्यारे बच्चों, 10⁵ kg, है ना, 55 kg। तो ये कैसे मेजर किया गया, मास ऑफ नॉन यूनिवर्स, है ना, जैसे प्लैनेट का मास है ना, प्लैनेट का मास कैसे, तो प्लैनेट का मास आगे आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम प्लैनेट का मास मेजर कर सकते हैं। तो लार्ज मास को अगर मेजर करना है, लार्ज मास इज मेजर्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ प्लैनेट, लार्ज मास है, is measured with the help of Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, ओके, तो ये ध्यान रखे, है ना, किससे हम स्मॉल मास को मेजर करते हैं, आपको उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है, है ना, केवल उन डिवाइसेस का ध्यान रखें, ओके, ये। अब एक लास्ट बात आती है मेजरमेंट ऑफ टाइम, है ना, और इसके बाद ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा अपना, है ना, सेकंड चैप्टर कंप्लीट, ओके, मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हम मेजरमेंट ऑफ टाइम,
मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम। प्यारे बच्चों, टाइम का मेजरमेंट हम प्रेजेंट, प्रेजेंटली किससे कर रहे हैं, है ना, वॉच से, है ना। लेकिन पहले जब वॉच नहीं थी तो टाइम का मेजरमेंट कैसे करते थे, है ना। पहले जो एशियन पर्सन थे वो क्या करते थे, जब से सूरज निकला और जब तक वो छिपा, है ना, उस टाइम को मेजर करते थे। कैसे मेजर करते थे, अपनी परछाई की लेंथ को मेजर करके, है ना, उससे आइडिया लगाते थे वो, है ना, कि कितना टाइम हो गया है, ओके, परछाई को। लेकिन एक स्टैंडर्ड आपका मेजरमेंट नहीं था टाइम का, है ना। एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल फिक्स किया गया, और किसकी हेल्प से किया गया, सीजियम एटम, है ना। तो जो टाइम को मेजर किया गया वो किसकी हेल्प से किया गया, प्यारे बच्चों, सीजियम एटम की हेल्प से किया गया। किसकी हेल्प से, सीजियम एटम। कैसे, कि भाई जब सीजियम के जो एटम है वो वाइब्रेट्स करते रहते हैं, क्या वाइब्रेट्स करते हैं, तो जब सीजियम का एटम कितने वाइब्रेशन कर लेता है, 9192631, ओके, 770। देखो कितने वाइब्रेशन हो गए, है ना, बहुत ज्यादा हो गए, अरबों खरबों वाइब्रेशन। तो जब इतने वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिए किसने, सीजियम एटम ने, तो उसको माना गया 1 सेकेंड। स्टैंडर्ड सेकेंड को डिफाइन किया गया, है ना, कि जब सीजियम एटम कितने वाइब्रेशन पूरे कर ले, है ना, 9192631770, है ना, इतने वाइब्रेशन कंप्लीट कर ले तो उसको कहेंगे 1 सेकेंड। तो किससे मेजरमेंट किया गया, है ना, टाइम इज मेजर विद द हेल्प ऑफ सीजियम एटम। किसकी हेल्प से, सीजियम एटम की हेल्प से, ठीक है ना आपका। और 1 सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया, है ना, सो 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज, 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज टाइम टेकन टू कंप्लीट कितने वाइब्रेशंस, 9192631772 वाइब्रेशंस, इतने वाइब्रेशन, ओके, इतने वाइब्रेशन। इतने वाइब्रेशन जब कंप्लीट हो जाए तब कहेंगे हम 8 सेकेंड, ओके। तो ये था मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।